तो सी फॉर कांग्रेस को पराभूत करने के लिए सी फॉर चंद्रपुर से अच्छी जगह भूमि हो नहीं सकती। मैं सर्वप्रथम आप सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। यह अंग्रेजी नवीन वर्ष के शुभारंभ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विजय का संकल्प ये चंद्रपुर आकर शुरू किया है। मैं मन में सोच रहा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कामरूप से कच्छ तक इस देश के भारतीय जनता पार्टी का विजय का संकल्प ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चंद्रपुर से शुरू किया है। सहजता से ये भाव मन में आया कि इसका कारण बहुत सीधा और साफ है। अगर आर फार रावण को पराभूत करना है तो आर फार राम से ही शुरू होती है कहानी। अगर के फार कंस को युद्ध में पराभूत करना है तो के फार कंस के लिए के फार कृष्ण को ही युद्ध के मैदान में उतरना होता है। तो सी फॉर कांग्रेस को पराभूत करने के लिए सी फॉर चंद्रपुर से अच्छी जगह भूमि हो नहीं सकती। मैं हमारे अध्यक्ष जी के लिए शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में, भगवान अंचलेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इस देश के आरोग्य की चिंता करते हुए विश्व गौरव युग पुरुष देश गौरव प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी योजना निर्माण की आयुष्मान भारत, देश के जनता के आरोग्य की चिंता जिस पूर्व आरोग्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने की है, अब वो राजनीतिक आरोग्य भी बेमिसाल हो, सुदृढ़ हो, इसलिए इस चंद्रपुर के भूमि में आए हैं। शक्तिदायिनी माता महाकाली के चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी को ऊर्जा दे, उत्साह दे, शक्ति दे, भर भर के आशीर्वाद दे, धर्म धर्म के इस युद्ध में, सत्य असत्य के इस युद्ध में, विकास और विनाश के युद्ध में सत्य की विजय हो, धर्म की विजय हो, विकास की विजय हो, यही आशीर्वाद शक्तिदायिनी माता महाकाली हमारे अध्यक्ष जी हमारे जेपी नड्डा जी को दे, यही मैं मेरी ओर से आप सभी की ओर से प्रार्थना करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं कि चंद्रपुर लोकसभा जीतनी है। ये बात सही है कि मन में खेद रहा है, खंत रही है कि चंद्रपुर लोकसभा हम 2019 में जीत नहीं पाए। ये बात सही है कि चंद्रपुर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, ये भावना से चंद्रपुर की जनता ने महानगर पालिका जीत के दी, जिला परिषद जीत के दी, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को एक बार नहीं छह छह बार जीत के दी। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा हमेशा आगे रहा, मगर कभी कभी पैर पीछे होता है, अस्थायी रूप से होता है। आज यहां आई हुई जनता को, यहां आई हुई कार्यकर्ता भाई बहनों को माननीय नड्डा जी को यह बताना है कि आप यहां आए हो, आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, और सिर्फ स्वागत नहीं करते, यह हमारी रिटर्न गिफ्ट होगी कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका हो, जिला परिषद हो, विधानसभाएं हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, जब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होगा, जीत सत्य की होगी, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए हम सभी जब ये विजय संकल्प की रैली में आए हैं तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि सभी ने, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो
जो जो इस देश पे प्रेम करता, जो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्ति के विचार पे प्रेम करता, जो जो विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी को अपनी शुभकामना देना चाहता है, एक बार आखिरी कोने तक जो भी कार्यकर्ता, जो भी सम्माननीय नागरिक भाई बहन ये सुन रहा है, एक बार एक चंद्रपुर के इस वाघों की भूमि की वज्रमुठ खड़ी करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहिए कि जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। एक बार जोर से भारत माता की जय कहते हुए वज्रमुठ खड़ी करिए।